अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आप लोगों के सामने, और दोबारा पुंडी के ऊपर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स इतनी हो गई है, हम लोगों ने उसको इतने जीप तरीके से इसको बना लिया कि कन्फ्यूजन पर कन्फ्यूजन फैलती जा रही है। सो आज मैं कोशिश करूँगा आपको आराम से तसली से समझा सकूँ। पहली बात तो समझिएगा कि स्वैपिंग और स्टेकिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग समझने की कोशिश करनी है। इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, बार बार देखिएगा, इससे पहले भी जो दो तीन वीडियो हैं उनको देखिएगा। वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, वॉलेट में ट्रांसफ़र कैसे करने हैं, आपने जो है उसके बाद आपने FX का कार्ड कैसे ऐड करना है, वीडियोज़ बनी हुई हैं, उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा बरए मेहरबानी। एक ही वीडियो के अंदर हर चीज़ नहीं डाली जा सकती, इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं स्वैप और स्टेकिंग के बारे में बताऊँगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या होगा। ये चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली है क्या। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करनी है। आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास NPXS या NPXS NEM, दो किस्म के आपके पास कॉइन हैं, एक ERC20 इथेरियम के ब्लॉकचेन पे है और दूसरा NEM के ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करता है। आपने कुछ नहीं करना, आपके कॉइन एक्सचेंज में पड़े हुए हैं और आप कहते हैं ऐसे ही पड़े रहने दो, मैं भूल गया, आपने मिस कर दिया, आप नहीं स्वैप कर पाए, आप नहीं स्टेकिंग कर पाए, आपको कोई लॉस नहीं है। ये रास्ता भी आपको आखिर तक लेके जा रहा है, FX के मेन नेट तक के लिए आपको लेके जा रहा है। सो अगर आप मिस कर गए, आपने वीडियो लेट देख रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले ही टाइम पर पहुँची, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे थे वैसे के वैसे भी आप मेन नेट तक अपना सफ़र कर लेंगे। दूसरा रास्ता है एक्स वॉलेट का, और एक्स वॉलेट पर आने के बाद क्या कुछ हो सकता है उसको चल के मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझना है और समझने के बाद उसको लॉक कर लेना है, और फर्दर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पर ही दे दूँ। पहली चीज़, आप अपने कॉइन को एक्सचेंज में रखना चाहते हैं, किसी वॉलेट ERC20 कंपैटिबल वॉलेट में रखना चाहते हैं, एक्स वॉलेट में रखना चाहते हैं, किसी भी सूरत में आपके पड़े हुए हैं, आप भूल गए हैं, आपको मालूम था, आपने फिर भी शिफ्ट नहीं किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इन दी एंड जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जिस वक्त इनका मेन नेट आ जाएगा, 5% एक्स्ट्रा बोनस जो हैं सब लोगों को डिवाइड हो जाएंगे। जिनके पास NPXS या NPXS NEM थे उनको मेन नेट आने के बाद 5% FX टोकन मिल जाने हैं, उसकी डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई, वो टू बी डिसाइडेड। ये तो हो गया एक कि एज इट इज़ जहाँ पर आपके कॉइन पड़े हुए थे, एक्सचेंज में पड़े हुए हैं, बाइनेंस में पड़े हुए हैं, किसी वॉलेट में पड़े हुए हैं XYZ, या आपने एक्स वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए और ट्रांसफ़र करने के बाद आपने और कुछ नहीं किया, तो आपको 5% एक्स्ट्रा जो है FX टोकन मिल जाने हैं, और उसके बाद जो FX टोकन का जब मेन नेट आएगा तो वो खुद ही ऑटो स्वैप, जो जो एक्सचेंजेस स्वैपिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं या जो जो वॉलेट एक्सचेंज स्वैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जो एक्स वॉलेट वो तो डेफिनेटली स्वैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके उसी रेशियो के साथ जो है वो स्वैप भी हो जाएंगे। ये तो हो गया नंबर एक सिचुएशन। नंबर दो सीन क्या है? नंबर दो सीन ये है कि मेरे पास NPXS हैं, मैं एक्स वॉलेट में ले गया, और मैंने अगर चूज़ करने हैं, मैंने अगर स्टेकिंग में हिस्सा लेना है तो क्या होगा? देखिए, अगर तो आप स्टेकिंग की तरफ जाते हैं तो आपके कॉइन एक साल के लिए लॉक होंगे, और एक साल के ऊपर लॉक होने के साथ आपको 15% FX जो टोकन है वो मिलेंगे, 15% एक साल के अरसे के ऊपर। अब जारी बात है, अगर आपने 15% पूरा क्लेम करना है तो पूरा एक साल रखेंगे आप, अगर आप कहते हैं कि नहीं आपने कम अरसे के लिए स्टेकिंग करनी है तो उसी रात से आपकी रेशो जो है वो कम होती जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको हर 7 दिन के बाद स्टेकिंग की जो उजरत है वो मिलनी है, और महीने में आप एक दफ़ा 28 दिन के बाद उसको जो आपने स्टेकिंग के जरिए आपने जो हासिल किया है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली एक साल में 12 दफ़ा विड्रॉ कर सकते हैं, आप जब चाहे विड्रॉ कर लें, जब चाहे रुक जाएं, आपकी चॉइस है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपने NPXS को स्टेकिंग में डाल दें, ठीक है, तो आपको मिलते हैं 15%, आप या एक्स वॉलेट में रखने के बाद आप स्टेकिंग ही नहीं करते, एक्स वॉलेट में पड़े रहते हैं, तो आपको ये 15% नहीं मिलेंगे। ये 15% सिर्फ उसको मिल रहे हैं जो अपने कॉइन को लॉक, अपने टोकन को लॉक कर रहा है स्टेकिंग के लिए, 15% सिर्फ उसको मिलेंगे, जिसके एक्स वॉलेट में पड़े हुए हैं उसको 15% नहीं मिलने। ये बात, ये कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, ये 15% FX सिर्फ उसको मिलेंगे जो स्टेकिंग करना चाह रहा है, जो स्टेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके भले एक्स वॉलेट में पड़े हुए हैं कॉइन, उसको ये 15% नहीं मिलेंगे। एक दूसरी बात,
जिस वक्त आपने अपने कॉइन्स स्टेकिंग के लिए डाल दिए तो आपके कॉइन 1 साल के लिए लॉक हो गए, ये टेन्योर लॉक्ड रहेगा। और जो विड्रॉल है वो सिर्फ जो इनकम आ रही है वो विड्रॉल आप कर सकते हैं हर 28 दिन के बाद। जो कॉइन आपने इनिशियली लॉक किए वो 1 साल के पीरियड के लिए लॉक हो गए हैं, वो आपके इस्तेमाल में नहीं रहेंगे। स्टेकिंग के लिए आपको FX कार्ड में अपने कॉइन्स को डालना होगा, एक्स वॉलेट से FX कार्ड में शिफ्ट करना होगा तो स्टेकिंग हो सकती है। एक्स वॉलेट में वैसे ही पड़े रहेंगे, FX कार्ड में आने के बाद आप स्टेकिंग में ला सकते हो उनको। आगे चलते हैं, इससे अगली सूरत हाल क्या है, वो है स्वैपिंग वाली। आप अगर अपने NPXS को आज स्वैप कर लेते हैं, आज ही अगर आप स्वैप कर लेते हैं, आपने एक्स वॉलेट में पड़े हुए थे और आपने स्वैपिंग की ऑप्शन अवेल कर ली, तो फिर क्या होगा, फिर आपको 45% अगले 3 माह में 15-15% के लिहाज से 45% आपकी जो भी क्वांटिटी थी उसके एवज आपको FX मिल जाएंगे। लेट्स से आपके पास अगर 1,000 NPXS या NPXS नेम टोकन थे और आपने अगर स्वैपिंग कर ली तो 1,000 का 45% जो बनता है उतने आपके पास FX आ जाएंगे, प्लस आपने अगर साथ स्टेकिंग भी कर ली तो आपको स्टेकिंग वाले भी मिल जाएंगे। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली में आपने NPXS के साथ स्टेकिंग की तो 15% मिल रहे हैं। दूसरी सूरत हाल में इस सिचुएशन के अंदर आके आपने स्वैपिंग भी कर ली तो आपको आपके बेसिकली ये इजाफी नहीं मिल रहे, ये रिप्लेस हो रहे हैं। आपके जितनी भी NPXS कंपनी लेके बंद कर देगी उसके बदले में उनकी तादाद के 45% आपको FX टोकन दे देगी, ठीक है। और अगर आपने फिर स्टेकिंग में भी डाल दिया तो वो 15% स्टेकिंग जो थी आपकी, ये पहले वाली थी, वो आपको लागू हो जाएगी। ये होगी दूसरी सूरत हाल। अब चलते हैं तीसरी सूरत हाल पर। मैं ना स्टेकिंग करता हूँ ना मैं स्वैप करता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही रास्ता, एक्स वॉलेट में पड़े हुए थे आपके और यहाँ से पड़े पड़े आपने ना स्टेकिंग की ना आपने स्वैपिंग की, वही सूरत हाल जो यह वाली थी कि इनका Q2 के अंदर जो है टेस्ट नेट आना है, उसके बाद इनका मेन नेट आना है, मेन नेट आने के बाद जो है आपके जो है वो खुद बहुत वाली है वो बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके पास जो NPXS टोकन है स्वैपिंग के बाद, जो ये स्टेज है इस जगह पर आने के बाद, ये NPXS-FX में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, NPXS-FX में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये FX नहीं होंगे। FX कॉइन अलग है, NPXS-FX अलग कॉइन है, ये दो कॉइन बनने हैं, इस बात को समझिए, दो अलग अलग कॉइन हैं। एक कॉइन यहां से अगर आप कुछ भी नहीं करते तो वो आ रहा है और 5% आपको मिल रहे हैं FX यहाँ पे, और दूसरा अगर आप स्टैकिंग कर लेते हैं, स्वैपिंग कर लेते हैं, तो जो जो क्वांटिटी मैंने पीछे बता दी आपको उसके लिहाज से आपके पास FX आ रहे हैं। अगर आप ये वाला रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर आपके NPXS ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास 45% FX होंगे और उसके साथ 15% जो आपको मिल रहे होंगे वो भी आपको FX मिल रहे होंगे, आपके पास NPXS नहीं रहेगा। अगर ये रास्ता आप अख्तियार करते हो आपके पास NPXS रहेगा जो अपने मेननेट पे जाने के बाद NPXS-FX हो जाएगा और प्लस 5% आपके पास FX भी आ जाएंगे। इस रास्ते को चूज करने पे आपके पास दो कॉइन रहेंगे, इस रास्ते को चूज करने के बाद आपके पास सिर्फ FX कॉइन रह जाएंगे। ये एक मेन फर्क था, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब इस रास्ते के अंदर अगर आप कहते हो कि आपने अपनी कुछ क्वांटिटी FX में कन्वर्ट करनी है, कुछ आपने NPXS में सेव कर लिए, वो NPXS ऐसे ही आ जाएंगे और उनके लिहाज से 5% भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने 100% कन्वर्ट कर लिए तो आपके 100% NPXS ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास खाली FX कॉइन रह जाएंगे। इस बात को समझना ध्यान के साथ बहुत ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो जाएगी। जो NPX है, जब वो NPX-FX में जाएंगे तो वो 1:1 रेशियो से कन्वर्ट होंगे, उनकी रेशियो वही रहेगी। आपके जितने NPX आपके पास आज हैं, लेट्स से आपके पास अगर आज 1,000 NPXS है तो वो 1,000 NPXS-FX मिल जाएगा आपको और 5% आपको अपनी क्वांटिटी का FX भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1,000, लेट्स से आपके पास 1,000 थे NPXS, आपने उनको कन्वर्ट कर दिया 50% को, 500 के बदले आपको 45% जो है FX मिल जाएगा प्लस स्टेकिंग से भी मिलेगा और एंड में आके वो FX बन जाएगा। और जो 500 आपका रह गया था NPXS, वो NPXS वैसे ही रहेगा और उसके साथ भी आपको 5%
FX मिल जाएगा, दो कॉइन आपको पास रह जाएंगे, प्रोवाइडेड आप 100% NPXS को स्वैप नहीं करते तो। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, दो कॉइन मिलने जा रहे हैं, एक होगा NPXS-FX जो कि NPXS की नई शक्ल है मेनेट पे जाने के बाद, साथ उसके मिलेगा आपको FX। और दूसरा रास्ता क्या है, आप अभी चले जाते हैं स्वैपिंग की तरफ, आप स्वैपिंग में जाके अपने आप को 100% FX में कन्वर्ट कर लें, या पार्शल कन्वर्ट करके आप NPXS भी रख लें और FX भी रख लें। ये चीज़ अब आपने खुद, हर किसी ने अपने लिहाज से सोचनी है, अपनी मर्जी से सोचनी है, और अपना फैसला हर किसी ने खुद करना होगा। आई होप इस चीज़ के साथ चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा। और इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, एक नंबर है, नंबर मैं देख लेता हूँ कौन सा है, वो साहब हैं जो लोगों को मैसेज करते हैं और अपना मोबाइल नंबर देते हैं और कहते हैं उन्होंने CCPMH का बनाया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है, वो मैं नहीं हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप के चैट ग्रुप्स के लिंक दिए हमें, सिर्फ वहाँ पर ही मैं बात करता हूँ, मैं किसी का नंबर अपना नहीं देता। इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा, कोई इंपोस्टर और कोई फ्रॉड अगर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है मेरा नाम लेके, जहाँ से मैं बताइएगा, अपना एहतियात, अपनी एहतियात खुद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।